अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, विलिंग वेज लाहौर के प्लेटफॉर्म से हस्बे साबिक नदीम नूर और मेरे साथ मौजूद है मिस आमना नवाज़, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। हम मूड और मिजाज के मसाइल पे बात करते हैं। कुछ अरसे से हमने मूड और मिजाज की मैनेजमेंट के बारे में आपसे शेयर करना शुरू किया है कि कैसे मैनेज किया जाए। आज हमारे प्रोग्राम का मौजू यही है कि वैसे तो अच्छे हालात में या अच्छे मिजाज में मूड को मैनेज करना इतना इशू नहीं होता, लेकिन जो डिफ़िकल्ट इमोशनल स्टेट्स हैं, मुश्किल जज्बाती कैफियत हमारी होती हैं, जैसे गुस्सा आ गया या हम लो महसूस कर रहे हैं, ज़रा डिप्रेशन की फीलिंग से गुज़र रहे हैं, तो उस वक्त मूड और मिजाज को कैसे मैनेज किया जाए और उसके क्या कोई अमली बिहेवियरल तरीके भी होते हैं जिनको अपना के हम मूड को बेहतर कर सकते हैं, कुछ ब्रेक थ्रू हासिल कर सकते हैं। मिस आमना, वेलकम टू द शो। थैंक यू। आज का सवाल तो मैंने पोज कर दिया, प्लीज़ गो ऑन कि कैसे मुश्किल इमोशनल स्टेट्स में मूड को मैनेज करें, मूड को कैसे हैंडल करें। जी, मूड ये जो डिफ़िकल्ट इमोशंस होते हैं जैसे कि डिप्रेशन महसूस करना, उदासी, मायूसी महसूस करना, या गुस्सा बहुत ज़्यादा आना, या फिर फियर से ऑपरेट करना, जैसे जिसे हम टेक्निकल टर्म में एंजाइटी भी कहते हैं, कि किसी चीज़ का खौफ रहना, या किसी वजह से गिल्ट का शिकार होना, शर्मिंदगी महसूस करना, ये ऐसे इमोशंस हैं कि जिनको हैंडल करना हमें उस वक्त बहुत मुश्किल लगता है। और जो हमारा जो इंस्टेंट एक रिस्पॉन्स होता है इस तरह के जज्बात को लेके, वो जो रिस्पॉन्स है वो हमें मज़ीद उन जज्बाती कैफियत में मज़ीद लेके जाता है। जैसे मैं अगर आपको मिसाल देकर समझाऊं, तो जो शख्स डिप्रेस्ड फील करता है वो कुछ ऐसे रवैये इख्तियार करता है जिसकी वजह से वो और डिप्रेस्ड महसूस करता है। जैसे वो किसी से मिलना जुलना छोड़ देगा, अगर उसका कहीं मिलने का कहीं जाने का प्लान भी है तो वो भी कोशिश करेगा कि पोस्टपोन हो जाए, कैंसिल हो जाए, क्योंकि आज दिन नहीं चाह रहा। वो ज़्यादातर कमरे में है तो वो लाइट भी थोड़ी सी धीमी करके रखेगा, वो खिड़कियों के पर्दे भी नहीं हटाएगा, वो किसी से बातचीत भी नहीं करेगा। ज़्यादातर लोग फ़ोन भी अपना स्विच ऑफ कर देते हैं कि मैं सोशलाइज़ किसी तरह से ना करूं। वो उठकर अपने कपड़े भी चेंज नहीं करेगा, वो शावर भी नहीं लेगा, वो खाना पीना भी थोड़ा डिले करेगा कि अभी भूख नहीं, अभी मेरा किसी चीज़ पर दिल नहीं है क्योंकि मैं उदास हूँ। वो अगर गाने भी सुनेगा तो वो ऐसे सुनेगा जो कि उसको मज़ीद डिप्रेस करें, वो सैड सॉन्ग्स प्रेफर करेगा कि वो सुने। और ये वो सारे रवैये हैं जो कि हमें मज़ीद उस मूड की तरफ और लेके जाते हैं। इसी तरह से अगर मैं गुस्से की बात करूं, तो गुस्से में भी जब हमें किसी भी बात पे किसी सिचुएशन में गुस्सा आता है तो उसमें हमारा दिल करता है कि हम ऊंची आवाज़ में बात करें, हम फौरन फौरन तुर्की बतुर्की जवाब दें जिस पर हमें गुस्सा आ रहा है। हमारी बॉडी लैंग्वेज थोड़ी बदल जाती है, हम पर्सनल डिस्टेंस को वायलेट करते हैं और हमारा दिल करता है कि थोड़ा करीब जाके तो थोड़ा जो है वो हम हिट भी करें सामने वाले को। तो जब ये वाली स्टेट जब होती है तो उसमें हम मज़ीद गुस्से में आ सकते हैं। और अगर मैं आपको बताऊं फियर की मिसाल दूं या एनजाइटी की मिसाल दूं, तो उसमें भी ये होता है कि जब हमें किसी चीज़ का खौफ होता है, यानी जैसे अगर किसी को प्रेजेंटेशन देने का खौफ है तो आमतौर पर वो कोशिश करेगा कि वो अवॉइड ही करें, वो ना दें। या सोशल लेवल पर किसी गैदरिंग में जाने से झिझक होती है तो ज़्यादातर लोग अवॉइड करते हैं, किसी को लिफ्ट में बैठने से झिझक होती है, डर लगता है तो वो उसको अवॉइड करते हैं। तो या किसी से कोई मुश्किल बात करते हुए किसी को खौफ आता है तो वो ज़्यादातर कोशिश करता है कि बात ना ही की जाए उस टॉपिक पे। फिर अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ शर्मिंदगी की या शेम की, तो उसमें भी ये बहुत कॉमन है कि जब कोई बहुत ज़्यादा किसी वजह से गिल्ट में होता है या शेम महसूस करता है तो वो उसमें भी वो जो रवैया इख्तियार करता है वो है कि वो शेयर नहीं करता किसी से, वो अपने आप को आइसोलेट कर लेता है, वो दूर कर लेता है लोगों से, और वो बिल्कुल एक अपने आप को एक थोड़ा सीक्रेटिव सा हो जाता है, खुलकर किसी से ओपन शेयरिंग नहीं करता अपने बारे में। अब ये तमाम ऐसे रवैये हैं कि जिस जो कि हमें मज़ीद उस स्टेट की तरफ लेके जाते हैं। अगर हम अच्छे से स्टडी करें अपने ब्रेन को तो पता ये चलता है कि ये रवैये बेसिकली इनको रिएक्टिव बिहेवियर्स हम कहेंगे, कि जो कि पहले फ़ौरन जो हमें ख्याल आता है वो यही आता है कि बस
अभी मूड नहीं है, अभी दिल नहीं है, और जो ख्याल आ रहा है कि ये करें वो करें, तो हम वही उसके ऑटोमेटिकली चलना शुरू कर देते हैं। लेकिन ब्रेन के मैकेनिज्म से ये पता चलता है कि अगर हम यही रवैये बार बार करते रहेंगे तो इसका एक तो हमारे मूड पर ऑपोजिट इफ़ेक्ट होगा, यानी मज़ीद हम डिप्रेस्ड होंगे, मज़ीद गुस्सा आएगा, मज़ीद फियरफुल रहेंगे, या हम मज़ीद गिल्ट में या शेम में रहेंगे। और अगर हम कुछ अलग करना शुरू हो जाएंगे, अपने इन रवैयों के अलावा कुछ अलग करेंगे, तो हम उस मूड से निकलेंगे। लेकिन जनरल अप्रोच, जो कॉमन अप्रोच है, जो सब ये चीज़ इस्तेमाल करते हैं, वो यही कि मूड के मुताबिक चलते हैं, मूड के कहे के मुताबिक चलते हैं कि अभी मूड नहीं है, अभी मैं सैड हूँ तो अभी फिर मैं वही सारे काम करूँगा, अभी गुस्सा है तो फिर मैं गुस्से को मज़ीद जो है वो ऐसे काम करूँगा जिससे अपना गुस्सा हमें मज़ीद चढ़ाऊँ। तो जो टेक्निक हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं वो है डूइंग द ऑपोजिट टेक्निक, के आपको ऐसे मौक़ों पे, यही वो बेस्ट मौका होता है कि जब हमें कुछ ऑपोजिट करने की ज़रूरत होती है। और मुश्किल यही आ रही होती है कि हम बार बार एक ही काम कर रहे होते हैं और हम रिज़ल्ट डिफरेंट चाह रहे होते हैं, यानी हम डिप्रेशन से निकलना भी चाह रहे होते हैं, लेकिन डिप्रेशन से निकलने के लिए हम जो रवैये इख्तियार करते हैं वो बिल्कुल ही अलग होते हैं, वो तो हेल्प करते ही नहीं हैं। हम खौफ से निकलना चाह रहे होते हैं, किसी चीज़ के खौफ से, किसी भी चीज़ से के, लेकिन हम वो तमाम काम कर रहे होते हैं जिससे हमारा खौफ मज़ीद बढ़ता है और हमें इतनी स्ट्रेंथ ही नहीं मिलती है कि हम उस चीज़ का सामना भी कर सकें। हम गुस्सा नहीं करना चाहते, हम गुस्से से बचना चाहते हैं, लेकिन हम हर दफ़ा गुस्सा करके ही सोल्यूशन निकालना चाह रहे होते हैं। तो बेसिकली ये जो एक आदत होती है कि बार बार एक ही काम करना और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई डिफरेंट रिज़ल्ट आएगा और मेरा मूड भी बेहतर हो जाएगा, तो ऐसे अफराद के लिए जो करने वाला काम है वो ये कि उनको कुछ ऑपोजिट करना होगा इसके ऑपोजिट। मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स डिप्रेस्ड है तो अगर वो हल्का सा ही कुछ एक दो एक्शन ही ले ले तो उसके ब्रेन में को और उसकी बॉडी को कुछ ऐसे मैसेजेस मिलेंगे जिससे वो थोड़ा सा अलर्ट या एक्टिव फील कर सकता है। जैसे वॉक करने का दिल नहीं चाह रहा तो थोड़ी सी चहलकदमी कर ले डिप्रेशन में, क्योंकि आपका बिल्कुल भी एक्टिविटी लेवल बहुत डिक्रीज़ हो जाता है, तो ये करने से उसका कुछ परसेंट मूड बेहतर होगा। थोड़ा सोशलाइज करेगा तो और कुछ परसेंट बेहतर होगा। थोड़ा अपनी हाइजीन का ख्याल रखेगा, थोड़ा कपड़े चेंज करेगा तो और मूड बेहतर होगा। तो थोड़ा थोड़ा चीज़ें अगर वो कंट्रीब्यूट करेगा अपने मूड को मैनेज करने में तो उसको हेल्प मिलेगी। थोड़ा डाइट अगर शामिल करेगा तो उससे और थोड़ी एनर्जी भी मिलेगी और मूड भी बेहतर होगा। तो बेसिकली ये डूइंग द ऑपोजिट टेक्निक का फ़ायदा एक तो ये है कि आपको इस चीज़ की रियलाइजेशन होना शुरू हो जाती है कि मूड, कोई भी मूड है वो परमानेंट नहीं है, वो टेम्प्ररी है। दूसरा, ये जो ऑपोजिट काम करने से फ़ायदा ये होता है कि आपको थोड़ी एम्पावरमेंट मिलती है, यानी आपको ये एहसास होता है कि मैं अपने आप पर काबू पा सकता हूँ। जब कोई शख्स गुस्से में होता है तो अगर वो कोई बिल्कुल ऑपोजिट जो है वो काम ऐसा करे कि जैसे मिसाल के तौर पर दिल कर रहा है उसको फौरन जाकर कोई उसी इनका जवाब पत्थर से देने को दिल कर रहा है उसी शख्स को, तो उस वक्त वो थोड़ा अगर पॉज ले ले कोई ऑपोजिट काम उसके यानी कि करे तो उसके गुस्से की इंटेंसिटी कम होती है। हमारे ओवरऑल बिहेवियर में कुछ बेसिक कंपोनेंट्स हैं जो कि कम्युनिकेट करते हैं, हमें बताते हैं कि हम किस स्टेट में हैं। और वो कम्युनिकेटर्स क्या होते हैं, जज्बाती कम्युनिकेटर्स वो होते हैं हमारे फेशियल एक्सप्रेशन, हमारे बॉडी मूवमेंट्स, बॉडी पोस्चर्स, वो हमारे हम जो वर्ड्स बोलते हैं, वो हम जिस टोन में बात करते हैं, ओवरऑल हमारा एक्टिविटी लेवल क्या है। ये ऐसे कम्युनिकेटर्स हैं जो कि बता देते हैं कि हम किस मूड में हैं। मिसाल के तौर पर कोई बड़ा लो टोन में बात कर रहा है और वो बड़ा उसके लेथार्जिक भी है, देख के भी पता चल रहा है कि वो थका थका है और उसके वर्ड्स भी इस तरह के हैं कि मैं बहुत डिप्रेस्ड हूँ, और उसके फेशियल एक्सप्रेशन से भी नज़र आ रहा है कि वो बहुत उदास है, तो ये क्लियरली मैसेज आता है कि इस वक्त उसकी स्टेट क्या है, हमें पता चल जाता है। अब ये टू वे ट्रैफिक होती है कि इस तरह के जब कम्युनिकेटर्स होते हैं, इमोशनल कम्युनिकेटर्स, ये दूसरों को भी मैसेज दे रहे होते हैं और ये दूसरी तरफ जो है वो इनवर्ड भी कुछ मैसेज जा रहे होते हैं, हमें भी एक मैसेज दे रहे होते हैं कि इस वक्त मैं सैड हूँ। कभी कोई शख्स खुशी के मूड में ये बात नहीं कहेगा कि मैं बहुत उदास हूँ, कभी कोई शख्स अच्छे मूड में ये नहीं कहता कि मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, ऐसा नहीं होता। लेकिन साइंस ये कहती है कि अगर हम
अगर कोई वाकई ये प्रैक्टिस करे कि जब गुस्से के मूड में हो तो वो कुछ ऑपोजिट करके यही एक्सप्रेशन अगर दे कि मैं इस वक्त थोड़ा गुस्से में हूँ, तो आपकी गुस्से की इंटेंसिटी कुछ परसेंट कम हो जाती है। आपने बहुत तफसील से बताया, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम कुछ टर्म्स को आपकी मदद से तफसील से समझ लेते हैं। आपने एक टर्म यूज़ की रिएक्टिव। रिएक्टिव से अंडरस्टैंडिंग ये हमारी आमतौर पर होती है रद्द अमल देना, यानी अपने प्लान या अपने इनिशिएटिव या अपने रिजॉल्व की बजाय किसी भी होने वाले काम के मुकाबले का रद्द अमल देना। जैसे अगर किसी ने ईंट मारी है तो उसका जवाब पत्थर से देना, अगर किसी ने बुरा कहा है तो उसके जवाब में बुरा महसूस करना, या कोई रद्देमल ऐसा देना जो जिससे दूसरे शख्स को भी तकलीफ हो जी। तो क्या रिएक्टिव होना मूड और मिजाज के लिए, आपकी बात से ऐसे लगता है जैसे रिएक्टिव होना मूड और मिजाज के लिए कोई अच्छी चीज़ नहीं है, इससे मूड और मिजाज को हैंडल करने में मज़ीद मुश्किलात आ सकती हैं, क्या ऐसा ही है? जी बिल्कुल, हमारे ब्रेन के दो पार्ट्स हैं, उसको दो हिस्सों में डिवाइड हम उसको कर सकते हैं कि जिसमें एक हिस्सा है जिसको इमोशनल ब्रेन कहते हैं और उसी को ही रिएक्टिव ब्रेन भी कहते हैं, और एक हिस्सा जो है उसको ह्यूमन ब्रेन कहते हैं और वो लॉजिकल ब्रेन होता है और वो आँखों से ऊपर का हिस्सा है और वो सिर्फ इंसानों के पास होता है। तो ये जो रिएक्टिव अप्रोच है, ये बेसिकली जो लोग रिएक्टिव जिनको कहते हैं, बेसिकली वो अपने उस एनिमल ब्रेन के थ्रू ज़्यादा ऑपरेट कर रहे होते हैं। किसी भी शख्स के जो है वो ज़्यादा डोमिनेंट कोई एक पार्ट ही हो सकता है ब्रेन का, या तो आपका ह्यूमन ब्रेन ज़्यादा डोमिनेंट होता है या आपका एनिमल ब्रेन ज़्यादा डोमिनेंट होता है। लेकिन जो बहुत ज़्यादा मूड मिजाज के मसाइल रखने वाले अफराद होते हैं, उनका ज़्यादातर जो है वो एनिमल ब्रेन एक्टिव होता है और वो उनको इन्फ्लुएंस भी करता है, और क्योंकि वो हर वक्त काम में रहता है तो ज़्यादा ब्लड सप्लाई भी एनिमल ब्रेन को ही मिलती है, और जिसकी वजह से लॉजिकल ब्रेन ज़्यादातर उनका उतना एक्टिव नहीं रहता और काम में नहीं आ रहा होता। और यही वजह है कि ये जितने भी मूड मिजाज के लोग हैं जिनको मूडी कहा जाता है, वो जो उनके मुंह में आता है वो कहते हैं, वो गुस्सा करते हैं, उनका दिल करता है तो वो शॉपिंग पे दिल कर रहा है तो वो शॉपिंग करते हैं, पैसे खर्च करने में तोहफे तहायब देने को दिल कर रहा है तो वो करते हैं, वो गैम्बलिंग पे दिल कर रहा है तो वो गैम्बलिंग करते हैं, ड्रग्स पे दिल कर रहा है तो, यानी कि वो उनका रिएक्टिव जो ब्रेन है एनिमल ब्रेन है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है। अब अगर हमें कुछ हटके कुछ नए रिजल्ट चाहिए तो हमें कुछ ऑपोजिट करना होगा उसके, और उसके लिए ज़रूरी है कि वो जो हमारा ह्यूमन ब्रेन है उसको काम में लाया जाए, उसको इस्तेमाल में ज़्यादा से ज़्यादा लाया जाए, और ऐसे अफराद जो कि अपने लॉजिकल ब्रेन को ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, बेसिकली वो प्रोएक्टिव भी कहते हैं, प्रोएक्टिव से मुराद है कि वो ख़ुद से डिज़ाइन कर रिस्पॉन्स को और बड़ा सोच समझ के रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके अपने जो एक्शंस हैं उनको जो है वो आगे जो है वो फर्दर लेके चल। और प्रोएक्टिव लोग जो हैं बेसिकली वो ड्राइविंग फोर्स होते हैं अपने लिए, यानी वो ख़ुद से अपने इमोशंस को ड्राइव करते हैं, ना कि इमोशंस को ड्राइव करने देते हैं अपने आप को। और जो रिएक्टिव लोग होते हैं वो बाज़ुकात उनका एक अप्रोच थोड़ी ब्लेमिंग अप्रोच भी होती है कि उनको लगता है कि मेरे बस की कोई बात नहीं है, मेरा कोई रोल नहीं है, मुझे बाहर के हालात एक्सटर्नल जो इन्वायरमेंट है वो मुझे फोर्स करता है कि मैं गुस्सा करूँ या मैं डिप्रेस हूँ, मुझे फ़लाँ ने ये बात कह दी थी तो इस वजह से मैं सैड हूँ, मुझे उसने कुछ ऐसी बात की थी तो मुझे इंसल्ट फील हुई तो मैंने गुस्सा किया, या मुझे खौफ इस चीज़ से आता है क्योंकि ये होता है, मैं प्रेजेंटेशन से इसलिए घबराता हूँ क्योंकि लोगों के जजमेंट ऐसी आगे से मिलती है। तो बहुत से फैक्टर्स को वो ब्लेम करते हैं और उनको कहीं ना कहीं ये लगता है कि उनका कोई ख़ुद का कोई इख्तियार इस सिचुएशन में नहीं है। लेकिन जो लॉजिकल ब्रेन है वो इतना शानदार है कि अगर हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो हम अपने इमोशंस को भी अपने कंट्रोल में कर सकते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके अपने रिस्पॉन्स को जो है वो मनूवर कर सकते हैं अपने मुताबिक। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि हमें इन जनरल थोड़ा सा प्रोएक्टिव होने की ज़रूरत है, यानी एक शख्स जो कि इन जनरल बहुत रिएक्टिव है वो इंतज़ार करता है कि कोई बाहर से कोई कोई हादसा पेश आएगा, कोई हालात ऐसे होंगे तो ही मैं कुछ रिएक्ट करूँगा, तो वो फिर अपने मूड मिजाज को भी हैंडल नहीं कर सकता। लेकिन क्योंकि जैसे ज़्यादातर लोग
खाना तब खाते हैं जब उनको भूख लगी होती है, और कई दफ़ा सारा सारा दिन अगर भूख नहीं लगती तो वो खाना नहीं खाते, या प्यास अगर नहीं लगी तो वो पानी नहीं पीते, इवन डॉक्टर के पास तब तक नहीं जाते जब तक कि बिल्कुल ही बहुत ही ज़्यादा जो है वो हालात ख़राब हो जाएँ, तो तब तक वो नहीं जाते। जैसे बहुत से ऐसे डायबिटीज़ के या ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स होते हैं जिनको डॉक्टर मशवरा देता है कि आपको हर महीने फॉलोअप रखना है, लेकिन ज़्यादातर मरीज़ आप देखते होंगे कि वो तब जाते होंगे जब बहुत ज़्यादा ही तबीयत ख़राब हो जाती है, जब शुगर बिल्कुल कंट्रोल में नहीं आती है। तो जब इन जनरल अगर किसी के ये नेचर है कि वो रिएक्टिव है, वो कोई बाहर के इन्वायरमेंट से इन्फ्लुएंस हो के तो अपने एक्शंस को जो है वो परफॉर्म करता है, तो फिर हम अपने ये जो बड़े मसले हैं जैसे जज्बात को काबू में रखना, अपने गुस्से को, अपने डिप्रेशन को काबू में रखना, तो वो फिर उस पर भी इतने कोई अच्छी तरह से परफॉर्म नहीं कर सकते। तो बहुत ज़रूरी है कि हमें इन जनरल थोड़ा प्रोएक्टिव होना पड़ेगा और अपने जो एनिमल ब्रेन है उसको कम से कम थोड़ा इस्तेमाल में लाया जाए, और दो कि हमें उस पार्ट की भी ज़रूरत होती है, हमारे बेसिक सर्वाइवल को जो देख रहा है वो यही पार्ट है हमारा एनिमल ब्रेन, तो जो बेसिक उसका काम है उसको वही ज़्यादा करने दें बजाय कि वो हमारे जज्बात के साथ भी खेले और हमारे बाकी मामलात और हमारे मूड मिजाज और हमारे रिलेशनशिप्स को भी डिस्टर्ब करे। तो ये प्रोएक्टिव और ये रिएक्टिव का जो डिफरेंस है वो बेसिक ये है कि रिएक्टिव में आप ड्राइविंग फोर्स नहीं होते, आप ड्राइविंग सीट में नहीं होते, आप कोई और आपको ड्राइव कर रहा होता है, रिएक्टिव अप्रोच में आपके जज्बात के साथ कोई और खेल रहा होता है और वो आपको फील करा रहा होता है अपने मुताबिक। प्रोएक्टिव में आप खुद से डिज़ाइन करते हैं, आप अपने रिस्पॉन्स को, अपनी थॉट्स को खुद डिज़ाइन करते हैं, ना कि किसी और से इन्फ्लुएंस करवाते हैं। हम डूइंग द ऑपोजिट की स्ट्रेटजी और प्रोएक्टिविटी पर भी बात को जारी रखेंगे, लेकिन दूसरा मामला, दूसरी बात जो मैं आपसे पूछना चाह रहा था वो ये कि आपने अभी मूड के हवाले से कुछ देर पहले ये बात की कि कुछ लोग मूड के इर्द गिर्द अपनी अपने दिनों को, अपनी ज़िंदगी को तरतीब देते हैं, जैसे मूड बुरा है तो फिर उस हवाले से कुछ करने लगते हैं, या मूड अच्छा है तो फिर उस तरफ चल पड़ते हैं। इससे तो ऐसा लगता है जैसे उनके लिए मूड उनकी ज़िंदगी में कोई सेंट्रल पोजीशन या न्यूक्लियस जैसा कोई रोल रखता है, तो क्या ये स्ट्रेटजी कामयाब होती है, या मूड वैसे तो बहुत अहम एलिमेंट है हम इंसानों की ज़िंदगी का, लेकिन क्या ये इतना ही अहम होता है कि इसे बिल्कुल सेंट्रल मोस्ट पिवोटल न्यूक्लियर रोल दे दिया जाए? देखिए, बहुत ज़्यादा हम किसी भी चीज़ को अगर वो उसको सेंट्रल रोल दे दिया जाएगा तो वो ज़्यादा खराबियाँ ही करेगा। ये अगर मैं मूड की सिर्फ बात करूं तो वहाँ तक ही बात नहीं होगी, किसी भी चीज़ को जब हम कोई बहुत एक्सट्रीम पे ले जाते हैं और हम उसी पर ही डिपेंडेंट होते हैं, जैसे ज़्यादातर लोग यही कहते हैं कि अभी मूड नहीं है, मूड पे चलते हैं, इसी तरह से बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि जिनकी लाइफ में लोगों की अप्रिसिएशन बहुत मैटर करती है, वो बस लोगों को खुश करना चाह रहे होते हैं, उनकी ज़िंदगी में जब ये एक सेंट्रल पोजिशन होती है तो उसमें भी खराबियाँ हो जाती हैं। बहुत से लोगों की ज़िंदगी में, बहुत से लोग मनी ओरिएंटेड होते हैं तो जब उनके जो है वह पैसे में उतार चढ़ाव आते हैं तो वो उनके मूड मिजाज में भी उतार चढ़ाव आ जाता है। बहुत से लोग जो है वो फैमिली ओरिएंटेड होते हैं, बहुत से लोग करियर ओरिएंटेड होते हैं तो जब करियर में उतार चढ़ाव आता है तो बाकी चीज़ें भी ख़राब हो जाती हैं, जब फैमिली ओरिएंटेड होते हैं तो बाकी बहुत सी चीज़ों को भी निगलेक्ट करते हैं। तो किसी भी चीज़ को अगर हम सेंट्रल बना देंगे तो वो मसाइल तो पैदा करेगा, हम जब बहुत डिपेंडेंट हो जाते हैं अपने आप को, और प्रोएक्टिव अप्रोच कहती ही यही है कि आपको जो है वो कुछ खुद से कुछ प्रैक्टिकल डिसीजंस लेने हैं, ना कि किसी भी चीज़ पे डिपेंडेंट हो गए। और उसके लिए ज़रूरी है कि हम कुछ प्रिंसिपल ओरिएंटेड अगर हो जाएं, कुछ लाइफ के प्रिंसिपल्स ऐसे सेट हों जो कि अगर प्रिंसिपल्स किसी के बैलेंस्ड हैं तो वो फिर मूड को भी लेके सही चलेगा, वो करियर को, वो रिलेशनशिप्स को, वो बाकी मामलात को, मजहबी मामलात को, कल्चरल मामलात को, वो हर चीज़ को बैलेंस लेके चलेगा। लेकिन अगर प्रिंसिपल्स ही इस तरह के हैं कि मूड के मुताबिक चलना है, जब दिल चाहेगा तो काम करना है, प्रिंसिपल्स अगर इस तरह के हैं कि हम रिएक्टिव होंगे, अभी टाइम है, अभी बहुत टाइम है, बाद में सोची जाएगी, या इस तरह के हैं कि पहले से कोई तैयारी नहीं अगर हमारे हम करने के आदि, या ऐसे कुछ अकीदे हमारे बने हुए हैं, तो फिर तो कोई भी मामला सीधा नहीं होगा। मूड बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है हमारी लाइफ में, और कोशिश ज़रूर इस पे रहनी चाहिए कि ये एक स्टेबल रहे, एक ऐसी स्टेट में रहे। और डेफिनेटली अगर ये तो हम जनरल मूड की बात करें, अब जिन लोगों को मूड डिसऑर्डर अगर
होता है तो डेफिनेटली वो उसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स करते हैं. तो सेंट्रल रोल डेफिनेटली इसका एक है बहुत ज़्यादा हमारे ओवरऑल लाइफ की डीलिंग में, लेकिन इस पर डिपेंडेंट होना ही मूड डिसऑर्डर कहलाएगा कि जब हम मूड के मुताबिक चल रहे हैं. और जब पूछा जाए कि आपका मूड कैसा रहता है तो अगर आगे से ये जवाब आए कि वैसे तो ठीक रहता है, जब मेरी मर्ज़ी के मामलात ना हो तो फिर मेरा मूड ख़राब हो जाता है, तो इसका मतलब है कि फिर मूड को मैनेज करने की बहुत ज़रूरत है ऐसे मामलात में, क्योंकि मर्ज़ी के मामलात तो अक्सर होते हैं और अक्सर नहीं होते. तो जब डिपेंडेंट कर देते हैं तो फिर मुश्किलें आती हैं. हम वापस चलते हैं उन स्ट्रेटजीज की तरफ जैसे आपने बताया डूइंग द ऑपोजिट. जी, तो ये ऑपोजिट करना, जब कोई काम करने का जी ना चाह रहा हो और मूड ना हो और एनर्जी ना हो और इनिशिएटिव ना हो, तो उस वक्त फिर कैसे करें और करने से क्या फ़ायदा होगा? क्या उसका कोई फ़ायदा भी होगा या कुछ नहीं? बिल्कुल फ़ायदा डेफिनेटली होगा. जैसे मैंने कहा कि छोटे छोटे बेबी स्टेप्स से ही अगर कोई शुरू करता है ना, तो उसके मूड में हल्का फुल्का जो है वो तब्दीली आना शुरू हो जाती है. बेबी स्टेप्स, यानी कोई बड़े ड्रास्टिक स्टेप्स लेने की ज़रूरत नहीं है, ना ही कोई परफेक्शनिज्म में जाने की ज़रूरत है कि कुछ आइडियल काम ही करूँगा. जैसे लोग कहते हैं कि अच्छा अभी एक्सरसाइज वॉक पे कैसे जाऊँ, अभी जूते ठीक नहीं हैं, अभी कपड़े भी उसके मुताबिक नहीं हैं जाने वाले, और मुझे एक परफेक्ट शूज़ ख़रीदने पड़ेंगे और ट्रैक सूट लेना पड़ेगा. जब हम बहुत ज़्यादा परफेक्शन में चले जाते हैं तो फिर हमने जो काम करना होता है हम वो भी नहीं करते. तो बेसिकली जो शुरुआत करनी है, ख़ासतौर पर वो लोग जिनको बहुत ज़्यादा ही फेयर के मसाइल हैं या लो मूड के शिकार रहते हैं या बहुत ज़्यादा गुस्से में अगर रहते हैं, तो उनको शुरुआत करनी होगी छोटे स्टेप से, और शुरुआत करनी होगी ऐसी सिचुएशंस में जहाँ पर उनको जज्बाती मुश्किलात कम हैं. जैसे गुस्सा जो है, गुस्से को मैनेज करना, तो ये इसमें बेबी स्टेप्स लेने पड़ेंगे. यहाँ पे ऐसा नहीं है कि जिस शख्स पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है आप वहीं से एक्सपेरिमेंट शुरू करें. ज़रूरी ये होगा कि आपको थोड़ा ऐसे मामलात में अपने आप में इम्प्रूवमेंट लानी होगी जहाँ पर गुस्सा थोड़ा कदरे कम आता है. डूइंग द ऑपोजिट की स्ट्रेटजी पर हम बात कर रहे थे कि कैसे डिफ़िकल्ट मूड को मैनेज करने के लिए इस स्ट्रेटजी से फ़ायदा हासिल किया जा सकता है, और अभी हम स्ट्रेटजी को इस्तेमाल करने के हवाले से ये बात कर रहे थे कि शुरू में ही बड़े स्टेप्स लेके नुकसान या फेलियर का सामना करने की बजाय बेबी स्टेप्स इस डायरेक्शन में लेने से फ़ायदा होता है. हमें मिस आमना इस सिलसिले में बता रही थी. मिस आमना प्लीज़ कैरी ऑन. जी, मैं एक तो ये बात कर रही थी कि हमें शुरुआत जो करनी है स्टार्टर्स के लिए, हमें जो है वो शुरू करना है ऐसे मामलात में कि जहाँ पर हमें कदरे गुस्सा कम आता है या जिन बातों पर हमारा मूड थोड़ा लो, ज़रा कंपैरेटिवली थोड़ा कम रहता है, तो उन चीज़ों से शुरू करना है. प्रैक्टिस वहाँ से शुरू नहीं करनी, और उसमें भी हम थोड़ा जल्दबाजी करते हैं कि हम डायरेक्टली परफेक्ट हो जाएँ उन मामलात में कि जो कि ज़्यादा प्रॉब्लम करते हैं. तो एक तो ये कि हमें थोड़ा स्लोली भी ग्रेजुअली इन मामलात को ठीक करना है. फिर दूसरा, मैंने बात की थी इमोशनल कम्युनिकेटर्स की, कि जिसमें वर्ड्स की बात की थी, टोन की बात की थी, बॉडी पोस्चर्स की बात की थी, जिसमें फेशियल एक्सप्रेशंस की बात की थी. तो अगर जैसे किसी को डिप्रेशन का मामला है तो उसको इन सारे चीज़ों को थोड़ा लिस्ट डाउन करने की ज़रूरत है कि ऐसी सिचुएशन में मेरा मूड कैसा होता है, मेरी थॉट्स कैसी होती हैं, मैं किस तरह की बातचीत करता हूँ, मैं मेरे बॉडी पोस्चर्स कैसे होते हैं, क्या मैं सिर्फ लेटा रहता हूँ उन दिनों में, या क्या मैं किसी से बात नहीं करता हूँ. ये उनको डायरेक्टली जब आप पूरा लिख लेंगे सारा, तो हमारे सामने पता चल जाएगा कि हम ये करते हैं. और जब पता चल जाएगा तो फिर हमें स्ट्रैटेजीज़ बनानी होती हैं कि कुछ अब अगली दफ़ा उससे कुछ ऑपोजिट करना. और ज़रूरी नहीं है कि हम सारे एस्पेक्ट्स पे कम्प्लीटली कुछ ऑपोजिट करें, लेकिन शुरू में अगर हम कुछ एस्पेक्ट्स पे ही अपने कुछ ऑपोजिट करना शुरू हो जाएं, जैसे वॉइस टोन अगर नहीं बेहतर हो रही तो चलें बॉडी पोस्चर में कुछ तब्दीली लेके आ जाएं. अगर हर वक्त लेटे रहते हैं तो फिर थोड़ा उठ के बैठना, अगर अकेले रहते हैं तो थोड़ा कुछ लोगों में उठना बैठना, लोगों से बातचीत करना शुरू कर दें. अगर बिल्कुल ही चहलकदमी नहीं है तो उसको करना शुरू कर दें. अगर अपना ख्याल रखना उन दिनों छोड़ा हुआ है तो फिर हमें कोई ऐसी स्ट्रेटजी बनानी होगी कि अच्छा अब मुझे कुछ इसके भी ऑपोजिट करने. अगर मैं एंगर की बात करूं तो उसमें भी हम चंक्स में डिवाइड कर सकते हैं कि मैं जब गुस्से में होता हूं तो मैं किसी की बात सुनता नहीं हूं. तो एक ये पार्ट है. तो हमें अगर नहीं सुनते हैं, एक्टिव लिसनिंग नहीं है आर्ग्यूमेंट में,
तो फिर ऑपोजिट करना पड़ेगा, यानी कुछ आपको दूसरे की भी सुननी होगी। अगर आपकी वॉइस टोन ऊंची हो जाती है गुस्से में, तो फिर आपको उसमें थोड़ी तब्दीली लेके आनी है और वो कुछ ऑपोजिट स्ट्रैटेजीज बनाने की ज़रूरत होती है। तो एक एक एलिमेंट को जो हमारे जो कम्युनिकेटर्स होते हैं, जो इमोशंस के जिनके थ्रू हमें पता चलता है कि इस वक्त हम किस मूड में हैं, और उन कम्युनिकेटर्स को अलग अलग करके तो उसके बाद उनके लिए स्ट्रैटेजीज बनानी होती है कि मुझे इन एस्पेक्ट्स पे क्या कुछ डिफरेंट करना है कि जिससे जो है वो मेरा मूड बेहतर हो जाए। और ये ख्याल कि अब मैं ऐसे ही रहूँगा और कुछ डिफरेंट हो जाएगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। मूड को बदलना है तो कुछ रवैये बदलने होंगे। सिंपल रूल है कि कुछ डिफरेंट हासिल करना है लाइफ में और पुरानी स्ट्रैटेजी से काम नहीं बन रहा, तो उन स्ट्रैटेजीज़ को जारी रखने में कोई अकलमंदी नहीं है। बेनिफिट इस चीज़ से मिलेगा कि हम फिर उस स्ट्रैटेजीज़ को बदलें। हो सकता है किसी और के लिए वो स्ट्रैटेजी काम आ रही हो, लेकिन अगर हमारे लिए वो स्ट्रैटेजी काम नहीं आ रही तो फिर उस स्ट्रैटेजी का कोई फ़ायदा नहीं। जैसे मूवीज़ में या हम देखते हैं अक्सर कि अगर कोई सैड है तो वो इस तरह से दिखाते हैं कि उसने अपना ख्याल रखना छोड़ दिया, और कोई सैड सॉन्ग चलते हैं कुछ ऐसा, तो वो स्ट्रैटेजी शायद वहाँ वर्क करी हो, लेकिन रियल लाइफ में वो स्ट्रैटेजी वर्क नहीं करती। इसी तरह से किसी और को देख रहे हैं और उसके लिए गुस्सा वर्क कर रहा है, किसी और के लिए वो स्ट्रैटेजी शायद वर्क करी है, लेकिन अगर हमारे लिए वो स्ट्रैटेजी काम नहीं करी तो उसको कंटिन्यू करने में कोई ऐसी कोई अकलमंदी वाली बात नहीं। तो बेस्ट ये है कि हमें कुछ अपनी स्ट्रैटेजीज़ को देखना है कि हम अपने मूड को मैनेज करने के लिए पहले ऐसा क्या कर रहे थे कि जिसकी वजह से मूड में कुछ बेहतरी नहीं आई, और अगर नहीं आ रही बेहतरी तो फिर उन स्ट्रैटेजीज़ को चेंज करें। और ये जो हम बातचीत अक्सर मूड मैनेजमेंट भी मैनेजमेंट की कर रहे होते हैं, तो उसमें सारे के सारे बातें किसी एक शख्स पर लागू हो नहीं सकती हैं। किसी के लिए कोई स्ट्रैटेजी वर्क करती है, किसी के लिए कोई किसी को थॉट्स पर काम करके फ़ायदा होता है, तो किसी के को रवैयों पर काम करके फ़ायदा होता है, किसी को एक्सरसाइज से हेल्प मिलती है, तो किसी को डाइट के थ्रू हेल्प मिलती है, किसी को वज़न कम करने से मूड मिजाज और एनजाइटी के प्रॉब्लम्स किसी के कम हो जाते हैं, किसी को वज़न कम करने से गुस्सा कम हो जाता है, किसी के ब्लड प्रेशर में कमी आती है तो उसके बाकी मसाइल भी कम हो जाते हैं। तो थोड़ा देखने की ज़रूरत है कि आखिर कहाँ कौन सी ऐसी स्ट्रैटेजीज़ हैं जो हमारे लिए वर्क नहीं करें, और फिर उस पर फिर हमें काम करना है कि अब इसके कुछ ऑपोजिट हमें करना होगा तो ही फ़ायदा होगा। तो टेक्निक बेसिकली ये है कि यू हैव टू डू द ऑपोजिट। अब उसमें एक और चीज़ भी आती है कि लोगों का ये बिलीफ होता है कि इस तरह से तो फिर हम फेक करेंगे, यानी हमारी अपनी रियल सेल्फ तो फिर वो नहीं होगी ना। अब इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि ऑपोजिट करने का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आप अपने थॉट्स को, अपने इमोशंस को रियल ना समझें, आप उनको रियल समझें, वैलिड समझें और उसको एक्सेप्ट करके फिर कुछ प्रोएक्टिव फैसला करें कि क्या मैं इस पर जिस तरह से रिएक्ट कर रहा हूँ वो कोई बेनिफिशियल है या नहीं। यानी डूइंग द ऑपोजिट का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आप फेक करें और आप जो है वो अपनी जो असल फीलिंग्स हैं उसको कोई छुपा लें या सप्रेस करें। आप उसके साथ भी उसको एक्सेप्ट करके भी चल के तो आप अपने काम जारी रख सकते हैं। जैसे बहुत से लोग हैं जो कि जब सुबह उठते हैं दफ्तर के लिए, कॉलेज यूनिवर्सिटी के लिए, तो उनका दिल नहीं चाह रहा होता जाने को, लेकिन वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करके जब उठ के तो अपना काम शाम उसी तरह से तैयारी करके जब जाते हैं, तो एक्सेप्टेंस के बाद ही वो जब जाते हैं काम पे, तो उसके बाद ग्रेजुअली उनका मूड ऑलरेडी स्टेबल हो चुका होता है। तो बेसिकली एक्सेप्टेंस के बाद ही आप कुछ इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। एक्सेप्टेंस का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि दैट्स हाउ आई एम और मुझे ऐसे ही रहना है। एक्सेप्टेंस तो वो स्टेप है कि जिसके बाद आप कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करने की तरफ आते हैं, सोल्यूशन एक्सेप्टेंस के बाद ही आता है। तो बहुत से ऐसे नेगेटिव इमोशंस को भी हम कैरी करके अपने बाकी काम काज जारी रख सकते हैं। ये जो हमारा बिलीफ है कि मूड ख़राब है तो हम कुछ नहीं कर सकते और इंतज़ार करें कि मूड खुद ब खुद ठीक होगा तो फिर मैं कुछ करूँगा, तो इस बिलीफ पर काम करने की ज़रूरत होती है। और एक्सेप्टेंस के बाद कुछ ना कुछ उस हवाले से करना पड़ेगा जी। मूड के बारे में बैठ के किसी ऑटोमेटिक आने वाली तब्दीली का इंतज़ार करना या ऐसे किसी खुशफहमी में रहना तो फ़ायदा मंद नहीं होगा, और इसके मुकाबले में अगर थोड़ी बहुत कोशिश की जाए जी तो कुछ रिजल्ट भी मिले तो उसे बेहतर किया जा सकता है, इन्हांस किया जा सकता है। लेकिन ये तो तय है, जैसे रिएक्टिविटी की भी बात हुई, कि हमारे मूड की जिम्मेदारी हम पर ही आयद होती है, ऐसे ही। और
उसमें आने वाले उतार चढ़ाव के नतीजे में चूंकि अजियत का सामना भी हमें करना पड़ता है, गो कि हमारी वजह से कभी दूसरों को भी कुछ ना कुछ करना पड़ता है, लेकिन चूंकि हमें भी करना पड़ता है इसलिए उसकी अल्टीमेट जिम्मेदारी, उसकी मैनेजमेंट, उसकी देखभाल, उसकी निगहदाश्त हमारा ही एक फ़र्ज़ है। और कुछ करने से बेहतरी आएगी। क्या ऐसा भी होता है कि कई दफ़ा अमली तौर पर जब हम इन डिफ़िकल्ट इमोशनल स्टेट्स में मूड को बेहतर करने की कोशिश करते हैं तो फौरी तौर पर हमें रिजल्ट्स नहीं मिलते और हम मायूस हो जाते हैं, हालांकि अगर उस काम को जारी रखा जाए तो कुछ अरसे में आहिस्ता आहिस्ता रिजल्ट्स आना शुरू हो जाते हैं। तो क्या कभी डिलेड ऑन क्या ये डिलेड एक एलिमेंट भी है रिजल्ट्स के आने में? जी बिल्कुल। अब अगर मैं आपको बताऊँ कि ये जो हम टेक्निक आज डिस्कस करें कि डू द ऑपोजिट, जो वैसे मूड हों हमारे डिप्रेस्ड हों या गुस्से में हों तो कुछ ऑपोजिट करना चाहिए, तो इसको अगर हम ऑन एवरेज 2 से 6 माह तक रेगुलरली प्रैक्टिस करें, यानी जब भी मूड ऐसा हो तो हमें कुछ ऑपोजिट करने की ज़रूरत है, और कोई 2 से 6 माह तक उसको प्रैक्टिस करें तो जाके उसकी एक हैबिट बनती है, यानी उसका वो जो पहला रिएक्शन होता है ना एनिमल ब्रेन वाला, वो उसमें थोड़ी कमी आती है। और लॉजिकल ब्रेन क्योंकि 2 से 6 माह ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव रहता है और हम उसको काम में लाते हैं तो जाके ये आदत बनती है। और इस 2 से 6 माह में भी सेटबैक्स आते हैं, हम कई दफ़ा ठीक ठीक जा रहे होते हैं और फिर दोबारा से वापस जो है वो अपने जो बेसिक जो रवैये होते हैं उस पर आ जाते हैं। तो उस पर इम्पेशेंट होने से और नुकसान होता है, हम गिव अप कर देते हैं, हम अपनी आदतें वहीं पे छोड़ देते हैं कि इसका कोई रिज़ल्ट नहीं मिल रहा, तो रिज़ल्ट में तो वक्त लगता है। ये जो मूड के प्रॉब्लम्स हैं ये कोई अचानक से किसी के ऊपर नहीं आते हैं, इसकी बहुत लंबी हिस्ट्री होती है, बड़े अरसे से हमारा मूड ग्रेजुअली ख़राब हो रहा होता है। तो जब इतने सालों के जो रवैये हैं उनको बदलना है तो उसमें आपको कुछ अरसा तो दरकार डेफिनेटली होता है। तो इंतज़ार और पेशेंस जो है वो तो बहुत ही अहम पहलू है इस सारी मूड मैनेजमेंट की प्रैक्टिस का, कि ये कोई रातों रात कोई जो है वो तब्दीली नहीं आएगी, उसमें वक्त लगेगा, उसमें कभी हम फेल होंगे, कभी हम रिजल्ट्स अचीव करेंगे अपनी मर्ज़ी के। और जैसे मैंने कहा कि 6 माह तो तकरीबन मिनिमम चाहिए होते हैं अपने मूड को मैनेज करने की ये स्ट्रैटेजीज को अगर हम अच्छे से प्रैक्टिस करें तो, यानी कि याद रखें कि जब मूड ख़राब है तो ये स्ट्रैटेजीज तभी काम आती हैं। यानी कोई शख्स कितना ही अच्छा एंगर मैनेजमेंट स्किल्स में हो, कितने ही उसको अच्छी बातचीत करना क्यों ना आता हो, लेकिन जब उसके ऊपर कोई एक ख़ास मूड तारी होता है और वो उस वक्त मैनेज ना कर सके तो फिर उन स्किल्स का कोई फ़ायदा नहीं। यानी आपके पास कितने ही अच्छे टूल्स क्यों ना मौजूद हों मूड को मैनेज करने के लिए, लेकिन जब फौरन जब कोई ऐसी सिचुएशन आती है तो उस वक्त अगर हम उन टूल्स को इस्तेमाल ना करें तो फिर, यानी उन अपने ह्यूमन ब्रेन को इस्तेमाल ना करें तो फिर फ़ायदा नहीं है। और ज़्यादातर जो जज्बाती कैफियात होती हैं उसमें फौरन जो सबसे पहला रिस्पॉन्स आता है वो आता ही हमारे रिएक्टिव ब्रेन से है। जो पहला पैगाम आता है जज्बाती कैफियात में वो रिएक्टिव ब्रेन से आता है कि इसको कोई जवाब दो, या तुम पीछे हट जाओ, या बस अवॉइड करो, सामना ना करो किसी चीज़ का, इस तरह के जो ख्याल आते हैं, या ये कर लो, शॉपिंग कर लो, पैसे ज़ाया कर दो, इस तरह के जो मूड डिसऑर्डर्स में ख्याल आते हैं तो वो तो आते ही रिएक्टिव ब्रेन से हैं। और टेक्निक ये है कि आपको उस पहली जो आवाज़ है उस पर रिएक्ट नहीं करना और फिर सोचना समझना है। और ये एक हिंट भी हमें मिल सकता है कि जब पहला एक ख्याल आता है, ऑटोमेटिक ख्याल आता है जो कि ज़्यादातर हमें पता भी नहीं होता कि वो आ रहे हैं, अगर हम थोड़े से विजिलेंट हो जाएं, सोचें कि अभी क्या ख्याल आ रहा है, तो उससे हमें फ़ायदा मिल सकता है कि हम उसके कुछ ऑपोजिट करें। और इसमें एक और चीज़ भी बड़ी ज़रूरी है कि अगर हम थोड़ा गोल को भी अपने नज़र में रखें, जैसे गुस्से का जो इमोशन है उसमें हमारे गोल्स बिल्कुल ही जो है वो बिखर जाते हैं। हम कई दफ़ा किसी अपने से इस अंदाज से बात कर रहे होते हैं कि जिसकी वजह से फ्यूचर में वो रिश्ते का जो गोल होता है वो अचीव नहीं हो पाता। तो गोल को अगर हम कहीं नज़र में रखें कि मेरा गोल क्या है, तो हम बहुत सी ऐसी जज्बाती कैफियात से अच्छे से निमट सकते हैं। और ये जो हम जब ऐसे अपने आप को सवाल क्वेश्चन थ्रो करते हैं अपने आप को कि मेरा गोल क्या है, मैं जो काम करना चाह रहा हूँ मेरा गोल क्या है, जैसे लोग मूड मिजाज के वजह से बहुत से कामों से क्विट कर देते हैं, तो अगर उस वक्त कुछ गोल नज़र में हो
तो उससे भी हमारा लॉजिकल ब्रेन एक्टिव होता है। यानी अगर हम कोई ऐसे सवालात, कोई कॉम्प्लेक्स किस्म के सवालात अपने आप से करें या जिनमें हमें ज़रा सोचने समझने की ज़रूरत पड़ती है, तो उससे भी हमारा रिएक्टिव ब्रेन थोड़ा सा ठंडा हो जाता है और फिर ज़्यादा ब्लड जो है वो लॉजिकल ब्रेन को मिलता है, जिसकी वजह से फिर हम उसका इस्तेमाल ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं। ऐसे मौके पे कुछ अपने रिस्पांस को डिले करना और सोचने समझने की तरफ जाना, इससे भी तो नेसेसरी, जैसे आपने बताया, नेसेसरी टाइम मिलेगा कि दिमाग को अपने आप को ग्रुप करने या मामले को एक नए तरीके से हैंडल करने के लिए कुछ वक्त भी तो दरकार होगा। तो क्या ये भी एक स्ट्रेटजी हो सकती है कि डिफ़िकल्ट इमोशनल स्टेट्स में, मुश्किल मूड और मिजाज वाली कैफियत में, फौरी तौर पर कोई फैसला या रिस्पॉन्स ना दिया जाए, बल्कि कुछ रुक के सोच लिया जाए या एक टाइम तय कर लिया जाए कि अगर इस तरह की मुश्किल मुझे पेश आती है और कोई फौरी रिस्पॉन्स ज़रूरी नहीं है, तो मैं 12 घंटे या 24 घंटे में इस पर कोई ना कोई रिस्पॉन्स दूंगा, तो क्या रुकना, अपने रिस्पॉन्स को डिले करना, कुछ टाइम बाय करना, इससे भी मामला बेहतर होते हैं? जी बिल्कुल, डिले इमोशंस जो हमारे होते हैं, जो बहुत ज़्यादा जो भड़के हुए इमोशंस होते हैं, जैसे एंगर है या जैसे सैडनेस है या कोई सुसाइडल हुआ हुआ है बहुत ज़्यादा, या बहुत ज़्यादा डरा हुआ है, फियरफुल है, तो ऐसे मौक़ों पर बहुत ज़्यादा, या इवन बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी है, बहुत ज़्यादा अगर एक्साइटमेंट भी है, तो ऐसे मौक़ों पर साइंटिफिकली अगर हम देखें तो मुनासिब नहीं होगा कि हम फौरन कोई डिसीजन लें, कोई बड़ी जजमेंट पास कर दें या कोई बड़ा फैसला कर दें कि ऐसा होगा या मैं ऐसा करूँगा। और आपने देखा होगा कि ये जो रिएक्टिव ब्रेन है हमारा, वो ज़्यादातर ऐसे फ़ैसलों पर हमें मजबूर करता है ऐसे मौक़ों पर, कि गुस्से में लोग फैसले कर लेते हैं रिश्ते ख़त्म करने के, या कोई अपने बारे में या किसी दूसरे के बारे में, या डिप्रेशन में लोग फैसले कर लेते हैं अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने के बारे में, या हार्म, अपने आप को हार्म करने के हवाले से, या अपने मूड बेहतर करने के लिए ड्रग्स का इस्तेमाल करने के हवाले से। तो ये थोड़े वीक मोमेंट्स होते हैं, जज्बाती जो हमारे कैफियात होती हैं, ये वीक मोमेंट्स होती हैं, और डिले जो है वो बहुत एक अच्छा टूल है अगर कोई इस्तेमाल करे ऐसे मौक़ों पे कि मुझे फ़िलहाल कोई फ़ैसला नहीं करना, और अगर हम अपने आप को कोई टाइम दे दें कि इतने घंटे या इतने दिन बाद हम सोचेंगे, तो वो ज़्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि हमारे इमोशंस जो हैं ये कोई परमानेंट नहीं होते, ये चेंज हो जाते हैं, ये टेम्प्रेरी होते हैं, ये जितने भी मैंने कैफियात बताई हैं, गुस्से की या एक्साइटमेंट की या डिप्रेशन की, ये कोई परमानेंट नहीं होती। कोई शख्स लंबे अरसे तक गुस्से में नहीं रह सकता, उसकी इंटेंसिटी बदलती रहती है। तो हमें अगर ये भी अपने आप को याद कराना चाहिए कि अभी कोई फ़ैसला मैं इसलिए भी नहीं करूँगा क्योंकि ये कैफियत मेरे ऊपर रहने वाली नहीं है, और तब फैसला किया जाए जब हमारा जो एनिमल और रिएक्टिव ब्रेन है वो उस वक्त उतना एक्टिव ना हो, ताकि हमारा लॉजिकल ब्रेन को सोचने समझने का मौका मिले। मिसामना, हम आने वाले प्रोग्राम्स में इन इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स या वीक मोमेंट्स पर भी बात करना चाहेंगे, अभी हमारे प्रोग्राम का वक्त महदूद है और हमें प्रोग्राम को रैप अप करने के लिए भी इशारा मिल चुका है, तो अपने नाज़रीन से इजाज़त भी लेते हैं और नेक्स्ट टाइम दोबारा बुध वाले दिन 5 से 6 बजे के दरमियान हाज़िर होंगे। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफ़िज़।